हरि कौन तपस्या कीनी, तीनों लोक कुल तारन सो तुम रे अधीन। जो दौड़ दौड़ करके भी नहीं मिलती वो संसार की मृग तृष्णा है, और जो बिना दौड़े प्रेम से मिल जाते हैं वो राधा कृष्णा है। जब बात प्रेम की होती है तो सभी के मन में बस एक ही नाम आता है, राधा और कृष्ण का, जो दो होकर के भी एक हैं। क्यों इतने मधुर लगते हैं ये दो नाम, क्यों इनका नाम लेते ही मन में शांति, चेहरे पर एक मुस्कान और हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। मैं हूँ मालिनी अवस्थी और आज बिग महोत्सव में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आपको बताने वाली हूँ राधा कृष्ण के अमर प्रेम की गाथा। आज राधा अष्टमी है, यानी बरसाने की दुलारी राधा के जन्म का दिन। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा पुत्री के रूप में प्रकट हुई। तब से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी के रूप से विख्यात हो गई और धूमधाम से मनाई जाती है। जितना अद्भुत राधा का जीवन और उनका प्रेम है उतनी ही अद्भुत है उनके जन्म की कहानी। बरसाना में रहने वाले गोप वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति की कोई संतान न थी। बड़े बुजुर्गों के बहुत कहने पर उन्होंने एक साल तक माँ दुर्गा की कठिन तपस्या की। माँ दुर्गा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें एक अलौकिक अंड प्रदान किया, जिसके फूटते ही एक दिन एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। उस ज्योति ने एक अत्यंत ही खूबसूरत बालिका का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। बरसाना राधा जी की जन्मस्थली है, जहां जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी भी एक बड़े त्योहार के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास से मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना की राधा रानी मंदिरों की शोभा देखने ही लायक होती है। मंदिर का परिसर राधा प्यारी ने जन्म लिया है, कुंवर किशोरी ने जन्म लिया है, इन जयकारों से गूंज उठता है। देखो सांवर के संग गोरी झूली री डोला, गोरी झूली री डोला। देखो सांवर के संग गोरी झूली री डोला, गोरी झूली री डोला। देखो सांवर के संग गोरी झूली री हिंडोला, गोरी झूली री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला। गोरी झूले री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला। देखो सांवरे के संग गोरी झूली री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला। देखो सांवरे के संग गोरी झूले री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला। जमुना के तीरे कदम की छैया हो, जमुना के तीरे कदम की छैया हो, पहिरे लहर पटोर गोरी झूले री हिंडोला। हाँ पहिरे लहर पटोर गोरी झूले री हिंडोला, गोरी झूले री हिंडोला। देखो
जानते हैं कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अगर उनके प्रेम की परिभाषा गढ़ने बैठे तो सदियां बीत जाएंगी, फिर भी उनके प्रेम को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दो होकर के भी एक हैं। यदि कृष्ण शरीर हैं, तो राधा उनकी आत्मा, वैसे ही जैसे सूर्य और उसका प्रकाश कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण यदि वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण यदि फूल है तो राधा उस पुष्प की सुगंध है। राधा कृष्ण की शक्ति है, वो दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। कृष्ण और राधा का प्रेम अनोखा और न्यारा है। इसे समझने के लिए आइए सुनाती हूँ राधा कृष्ण की एक अद्भुत कथा। बात उन दिनों की है जब राधा जी अपनी सखियों के साथ प्रभास तीर्थ पर स्नान करने गई। वहाँ श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी रुक्मणी और अन्य रानियों के साथ पहुँचे थे। राधा जी की सुंदरता और चेहरे की दिव्यता को देखकर रुक्मणी से रहा न गया। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये नारी कौन है? ऐसी सुंदरता मैंने तो आज तक नहीं देखी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये समस्त ब्रज की दुलारी वृषभानु और कीर्ति जी की पुत्री राधा है। मैं भी इससे अत्यधिक स्नेह करता हूँ। ये सुनकर रुक्मणी ने राधा को अपने पास बुलाया और उनका बहुत बहुत आदर और सत्कार किया। उन्हें गरम गरम दूध पिलाया। राधा जी के जाने के बाद वो कृष्ण जी के पास पुनः गई और देखा कि उनके पैरों में छाले पड़ गए। ये देखकर वो विचलित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपके पैरों पर ये छाले कैसे पड़ गए? प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, ये आपके गर्म दूध के कारण हुआ है। रुक्मणी जी को बहुत हैरानी हुई कि यह दूध तो उन्होंने राधा को पिलाया था। प्रभु ने उनके असमंजस को समझ लिया और कहा, राधा ने अपने हृदय में मेरे चरणों को धारण कर रखा है, इसलिए उनके द्वारा पिए गए गर्म गर्म दूध से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी ने मन ही मन राधा को प्रणाम किया। जैसे परमात्मा के बिना आत्मा नहीं रह जाती, वैसे ही कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण रह ही नहीं सकते। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के निकट हो।
तो आइए चलते हैं प्रभु के करीब और सुनते हैं कुमार विश्व जी की खूबसूरत आवाज में राधा कृष्ण को समर्पित ये प्यारा सा गीत। श्याम राधे कोई न कहता कहते राधे श्याम, श्याम राधे कोई न कहता कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, राधे के बिन श्याम है आधे कहते राधे श्याम, राधे के बिन श्याम है आधे कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। व्यर्थ पड़ी माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति, ओ व्यर्थ रही माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति, चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप ना हो, बिन राधा के कहाँ है पूरा नटवर नागर नाम, बिन राधा के कहाँ है पूरा नटवर नागर नाम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, राधे के बिन श्याम है आधे कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी का किनारा, ओ साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी का किनारा, साथ है जैसे नील गगन में सूरज चंदा तारा तारा, तैसे राधे बिना अधूरा मन वृंदावन धाम, वैसे राधे बिना अधूरा मन वृंदावन धाम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, राधे के बिन श्याम है आधे कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम, बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। क्यों कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, ये भी इनके अमर प्रेम की कथा को कहता है। राधा चाहती थी कि हर कोई सिर्फ कृष्ण का नाम ले, लेकिन श्री कृष्ण की चाहत थी कि ना ना ना,
हर कोई सिर्फ राधा का नाम ले, क्योंकि राधा का नाम सुनकर ही उनके मन को शांति मिलती थी। इसीलिए तब से दोनों का नाम एक साथ ही लिए जाने लगा, लेकिन कृष्ण से पहले राधा का। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी ने राधा के रूप में वृषभानु, गोप और कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो ये बताता है कि सृष्टि का चाहे कोई भी कोना हो, चाहे कोई भी रूप हो, ये दोनों कहीं भी एक दूसरे से वियुक्त रह नहीं सकते। धरती पर राधा और कृष्ण के पहले मिलन की कहानी भी प्रेम से भरी है। उनका मिलन होते ही देवलोक और धरती प्रेम रस में डूब गई। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे। एक बार बाल कृष्ण अपने पिता नंद बाबा के साथ गैया चराते हुए वन से गुजर रहे थे, तभी अचानक आसमान से एक दिव्य ज्योति चमकी और उस ज्योति से राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा को पहचान लिया और उनके दर्शन कर मगन हो गए, आनंदित हो गए। राधा ने नंद बाबा से कहा कि वे कृष्ण को उन्हें सौंप दे। नंद बाबा ने कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और वन को चले गए। इधर श्री कृष्ण अपना बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। राधा उम्र में कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, फिर भी कृष्ण के मोह लेने वाले रूप के सामने स्वयं को हार गई और कृष्ण भी राधा के सौंदर्य के दीवाने हो गए। उनके इस प्रथम मिलन से ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि प्रेम में डूब कर आकंठ हो गई। हर तरफ पुष्पों की सुगंध फैल गई, नदियां मानो कोई तरंग में डूब कर संगीत सुनाने लगी, पक्षी गाने लगे। तो आइए चलिए सुनते हैं आलोक पांडे की आवाज में राधा कृष्ण के अमर प्रेम रस में डूबा ये गीत। कैसे भाव है? एक बार राधे कृष्ण जी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। राधे जी कहती हैं कृष्ण भगवान से कि मैं आपको इतना प्रेम करती हूं, फिर भी आपको संदेह होता है, तो जाओ अगर मुझसे कोई बेहतर मिल जाए तो उसे ढूंढ लो और उसे ही अपना हम सफर बना लो। कैसा कवि का भाव है? जा सको तो जाओ, मेरे दिल जैसा कोई और घर ढूंढ लो। जा सको तो जाओ, मेरे दिल जैसा कोई और घर ढूंढ लो। जा सको तो जाओ, भूल ना पाओगे तुम जहां जाओगे, भूल ना पाओगे तुम जहां जाओगे। मेरी नजरों का जैसा नजर ढूंढ लो। जा सको तो जाओ, मेरे दिल जैसा कोई और घर ढूंढ लो। आ जा सको तो जाओ। Thank you.
तो जाओ मेरे दिल जैसा कोई और घर ढूंढ लो, जा सको तो जाओ। जाओ मेरे दिल जैसा कोई और ढूंढ लो, जा सको तो जाओ, आशियाना कोई बेहतर ढूंढ लो, जा सको तो जाओ, भूल ना पाओगे तुम जहाँ जाओगे, भूल ना पाओगे तुम जहाँ नजरों की जैसा नजर ढूंढ लो, जा सको तो जाओ मेरे दिल जैसा कोई और दिल ढूंढ लो, जा सको तो जाओ मेरे दिल जैसा कोई और दिल ढूंढ लो, जा सको तो जाओ, ओ जा सको तो जाओ। बिग महोत्सव की खास प्रस्तुति राधाष्टमी में आगे जानेंगे राधा कृष्ण के प्रेम की एक और अद्भुत कहानी, तो बने रहिए और राधे कृष्ण कहते रहिए। अपने प्रिय को अपना बनाना और उसे पा लेना, यह संसार में हर प्रेमी का स्वप्न रहता है, जिसके लिए वह कोई भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार भी रहता है। लेकिन अपने प्रिय को पाने, उन्हें एक झलक भर देखने की जो कठिन तपस्या राधा ने की, वैसी आज तक किसी ने भी नहीं की। राधा स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। उनका जन्म कृष्ण के जन्म से 11 माह पहले हुआ था, इसीलिए जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ उन्होंने अगले 11 महीनों तक अपनी आँखें नहीं खोली थी। राधा चूंकि कृष्ण से पहले जन्मी थी, इसलिए उनके मन में अपने विष्णु अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की ऐसी अभिलाषा थी, इसीलिए संसार के सौंदर्य को देखने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ
अपने बाल गोपाल को सबसे पहले देखना चाहती थी। ऐसा अद्भुत, ऐसा सच्चा और ऐसा त्याग भरा प्रेम था राधा का। वो सांस लेना भूल सकती थी, लेकिन अपने कृष्ण को याद किए बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। कहते हैं कि जब कोई प्रेम में होता है तो वो अपने प्रेमी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, लेकिन राधा का प्रेम ईर्ष्या से परे था, क्योंकि राधा का प्रेम निस्वार्थ प्रेम था, सच्चा प्रेम था। उन्हें कृष्ण का गोपियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कृष्ण अपनी मुरली की धुन पर गोपिकाओं को नृत्य करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। और राधा सच्ची प्रेमिका थी, अपने कन्हैया को सदैव प्रसन्न देखना चाहती थी। फिर दोनों ने ऐसा अद्भुत रास किया जिसे देख गोकुलवासी ही नहीं देवलोक भी झूम उठे। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं राधा और कृष्ण की रासलीला की। बात पर एक बार जोर से बोलिए जय श्री राधा कृष्ण। बिग महोत्सव की खास प्रस्तुति राधा अष्टमी में आगे मैं आपको बताऊंगी राधा की सबसे बड़ी तपस्या की कहानी। तो देखते रहिए प्रेम की महा महिमा। कृष्ण की नटखट लीलाएं हो या गोपिकाओं के साथ छेड़छाड़, कालिया नाग के फन पर नृत्य करना हो या इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, राधा उनकी हर लीला के बाद उनके और भी करीब आती गई। अब मैं आपको सुनाती हूँ उस पहली भेंट के बाद क्या हुआ। जब राधा को न पाकर उनका मन भी बेचैन हो जाता था, क्योंकि राधा और कृष्ण सदा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। राधा अब अक्सर घर से बाहर रहने लगी। उनकी माँ कीर्ति ने उन पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। कभी सखियों से मिलने के बहाने, तो
तो कभी यमुना में स्नान करने के बहाने, अपने कन्हैया से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। एक दिन जब कृष्ण कहीं नहीं मिले तो वो उनके घर पहुंच गई। तब कृष्ण अपनी माँ से गोपिकाओं के कपड़े चुराने के लिए डांट सुन रहे थे और डांट सुन के थोड़े से क्रोधित थे, थोड़े से खिन्न थे। लेकिन राधा के मुंह से अपना नाम जैसे ही उन्होंने सुना, वो दौड़कर घर से बाहर निकले और पीछे पीछे मैया यशोदा। राधा को देखकर कृष्ण का गुस्से वाला रूप एक मुस्कुराते बालक के रूप में बदल चुका था। कृष्ण को ऐसा देखकर माता यशोदा को ऐसा लगा मानो कृष्ण ने दुनिया की सारी खुशियां पा ली। उन्हें राधा और कान्हा का प्रेम समझने में एक क्षण भी न लगा। तब से कृष्ण के साथ राधा भी यशोदा की दुलारी बन गई। इन दोनों के इस प्रेम को अपनी मधुर आवाज में सुनाने के लिए हमारे बीच एक बार फिर से आ रहे हैं कुमार विशु जी। जय जय श्री राधे। राधा रानी ने हमेशा से श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप में चाहा है, संपूर्ण रूप में ही मांगा है। इसलिए श्री कृष्ण से विनती करती है कि प्रभु मेरे शरीर के हर अंग पर अपने नाम लिख दो, ताकि दुनिया मुझे दीवानी नाम से, श्री कृष्ण दीवानी नाम से ही जाने। जय जय श्री राधे। कैसा प्रेम है, अद्भुत। नाम मुरारी आशा
कह के पुकारे श्याम वाली, कह के पुकारे वो है ये दुनिया सारी, ओ लिख दे मेरे। कहते हैं कि जब बात कृष्ण की हो तो राधा का नाम स्वतः आ जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण नाम में अगर हम राधा शब्द से राग को हटा दें तो वो आधा कृष्ण हो जाता है। यानी राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण है, कभी पूरे नहीं होते। आज भी जब प्रेम और त्याग की और निस्वार्थ प्रेम की चर्चा होती है तो प्रेम शब्द को अर्थ देने वाली, उसे जीने वाली, अपने कृष्ण से अलग रह करके भी उस प्रेम को महान बनाने वाली राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन राधा ने कृष्ण को न सिर्फ प्रेम किया बल्कि उन्हें भटकने से भी बचाया। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को, समस्त मानव समाज को भी एक संदेश है। यूं तो सारी दुनिया राधा कृष्ण की रासलीला की दीवानी है, लेकिन होली पर इन दोनों के बीच जो रास होता था उसे देखने के लिए तो देवी देवता भी आम इंसान का रूप लेकर के धरती पर आते थे। तो आइए देखते हैं इस लीला की, इसी रंग की एक झलक। होली की लड़ी धूम मचावनी, आयो जसुमती लाल, आयो प्रेम की होली लेके मोहन मुरली वालो। खेले श्याम संग होली राधा प्यारी, पगड़ रंग बरसरियो कानो मारे भर भर पिचकारी, पगड़ रंग बरसरियो। जोड़ी राधे श्याम की मैं निरकुचित लगा, होइन जोड़ी का दर्शन करके जन्म सफल हो जा। थारी लीला तो है, थारी लीला तो है, थारी लीला अजब बनवारी, हारो तो धन भार जग्यो दिल श्याम संग होली राधा प्यारी, पगण रंग बरस रियो। प्रेम करने का अपना एक अलग ही आनंद है। राधा कृष्ण के हुए युग बीत चुके लेकिन आज भी प्रेम का न तो रूप बदला है और ना ही स्वरूप। आज भी प्रेमी युगल छुपके मिलने में ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं, जिसे सिखाया राधा और कृष्ण ने। इनके प्रेम की अपरंपार लीलाओं की महागाथा आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए बिग महोत्सव की खास प्रस्तुति राधा अष्टमी। जग दीवाना था कृष्ण का, लेकिन कृष्ण राधा के दीवाने थे। 16 साल की उम्र के बाद कृष्ण राधा से अपने अंत समय में मिले, लेकिन 7 से 16 वर्ष की उम्र तक राधा के साथ गुजारे 9 वर्षों में दोनों एक होकर रहे। 16 वर्ष की उम्र में जब वे मथुरा जाने के लिए शारीरिक तौर पर राधा से अलग हुए तो अलग होते समय उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को दे दी। कई वर्षों बाद वृद्ध राधा को अपने कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो अकेली थी और बस किसी तरह से
अपने कन्हैया को एक बार देखना चाहती थी। उनके मन में यह ख्याल आते ही कृष्ण स्वयं उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर इस दुनिया से विदा होना चाहती थी। कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम कुछ मांगो, लेकिन राधा मना कर देती है। कृष्ण ने पुनः कहा कि राधा, जीवन भर तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे दिया ही दिया है, इसलिए आज कुछ तो मांगो। कृष्ण की इस विनती पर राधा ने उनकी वंशी जो उनके पास थी उसे कृष्ण को दिया और कृष्ण को बांसुरी बजाने को कहा। कृष्ण ने बांसुरी ली और मधुर तान गूंजने लगी। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी यह कहकर तोड़ दी कि वह बंसी किस काम की जिसके धुन पर राधा न नाचे श्याम की। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घेरी आई है कारी बदरिया रे, घेरी आई है कारी बदरिया रे, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, राधे बिन लागे ना पलछिन लागन बरस समान, अब पलछिन लागन बरस समान, बरस समान अब, बरस समान अब, बरस समान अब, बरस समान अब, पलछिन तो लावे प्यारी के संदेशवा, बहु तो लावे प्यारी को संदेशवा, राधे बिन लागे न मोरा जिया, घेरी आई है कारी बदरिया रे, राधे बिन लागे न मोरा जिया, राधे बिन लागे न मोरा जिया, घेरी आई बदरिया, बदरिया घेरी आई है सारी बदरिया रे, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। सभी के जीवन में राधा कृष्ण जैसा प्रेम और सुख शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। अगले त्योहार के जश्न के साथ बिग महोत्सव में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिएगा बिग मैजिक। नमस्कार।